गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। चलो, बहुत दिनों के बाद मिले हैं हम सब। मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। गुड। चलो शुरू करें। अब पहले पुष्मापयम ने तो हमें उपनिषद का अच्छे से ज्ञान दिया है, जो कुछ बेसिक वो जो जानते हैं हम वो, लेकिन फिर भी एक बार हम वो दोहराएंगे फिर आगे जाएंगे। एक स्पीड में मैं चल रही हूँ, अगर किसी को लगता है फास्ट है बहुत स्लो है तो एक बार मुझे बीच में टोक के बोल दिया तो भी चलेगा, और अगर कुछ क्वेश्चंस है बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो बीच में बोल दीजिएगा, और अगर समझ सकते हैं रुक सकते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, ताकि ये जो रिदम में हम जा रहे हैं ना वो ब्रेक ना हो पाए। ओके, तो देखते हैं उपनिषद हमने पहले मैम भी देखा। स्क्रीन बड़ी कर दीजिए थोड़ी सी। मैम आपका फोन आड़ा रख दीजिए। ओके, नहीं नहीं लैपटॉप है ये स्क्रीन, तो। यस 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 यस, जस्ट मिनट। ठीक है, अभी सही है मैम। ओके गुड। तो चलो देखते हैं उपनिषद, ये शब्द कहाँ से आया? हमने पहले भी देखा है उप अधिकनी अधिक सद, मतलब उप का मतलब है निकट, नी मतलब श्रद्धा पूर्वक, और सद यानी बैठना। तो जो श्रद्धा पूर्वक बैठकर गुरु के पास से जो ज्ञान लिया जाता है उसको हम जानते हैं उपनिषद। इस संसार के बारे में जो भी सत्य हमें जानना है वो गुरु के पास जाकर लिया हुआ जो ज्ञान है जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है उसे भी उपनिषद कहा जाता है। इसे अध्यात्म विद्या भी कहते हैं और इसको वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि ये वेदों का लास्ट का आखिरी का भाग है। हमने देखा है पहले भी कि उपनिषद वेदों से जुड़े हुए हैं। तो पहले वेद क्या है हमने जाना है, चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और हर एक वेद चार भागों में बंटा है, जो संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है। संहिता में हमने जाना है मंत्रों का समूह होता है, ब्राह्मण में यज्ञ के बारे में जानकारी होती है, और अरण्यक में वानप्रस्थाश्रम के बारे में। उपनिषद जो हम अभी जान रहे हैं वो है ज्ञान कांड के बारे में। तो पहले तीन जो है उसमें कर्म के बारे में बताया गया है, जो यज्ञ तप कर्म हम करते हैं उसके बारे में, और उपनिषद जो ब्रह्म के सूक्ष्म विषय का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो उपनिषद करके हम जानते हैं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद है ऐसे बताया गया है। वैसे तो बहुत सारे उपनिषद ढूंढने जाएंगे मिलेंगे, लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद है वो हमें जानना है। और वेदों के अनुसार उसकी अगर सूची लिस्ट देखी जाए तो ऋग्वेद में है 10, यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में 19, कृष्ण यजुर्वेद में 32, 32, सामवेद में है 16 एंड अथर्ववेद में 31। ऐसे ये पूरे 108 होते हैं। और अगर ये 108 उपनिषद अलग अलग भागों में बटे हैं, जैसे कि मुख्य उपनिषद है वो 10 है, संन्यास के बारे में 17, वेदांत जिसे कहा जाता है वो 24 है, योग जो हमने देखे है योगोपनिषद वो 20 है, शैव शिव के बारे में 14, वैष्णव विष्णु के बारे में दैट इज 14, एंड शाक्त जो देवियों के बारे में है वो 9। ऐसे ये कुल मिला के 108 है।
योगोपनिषद हमने जो जाने हैं वो 20 के नाम हमें पता है, लेकिन सिलेबस में हमने जो देखे हैं वो कुल 8 है। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं मेन उपनिषद, प्रमुख उपनिषद, वो एक लिस्ट में देखे जाए तो ये 10 है। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ये तैत्तिरीय उपनिषद, लिखना गलती हो गई वहां पे, वो तैत्तिरीय होना चाहिए, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से आया है, तो हम वो देखते हैं आगे कैसे उसको इसमें डिवाइड किया है। ये 4 वेद है, हर एक वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से जो आया है वो ऐतरेय उपनिषद, यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद से कठ और तैत्तिरीय उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद से ईशावास्य एंड बृहदारण्यक, सामवेद से केन और छांदोग्य, और अथर्ववेद से प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद एंड मांडुक्योपनिषद। ये इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो मैंने जो जिस तरह से किया था वो मैंने यहाँ पे लिखाया है। ये जो 10 उपनिषद है मैंने एक लाइन में उन्हें लिख दिया है जो याद रखने के लिए इजी है। ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला वो जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से है, सेकंड एंड नाइन्थ वो सामवेद से है, कठोपनिषद दैट इज थर्ड एंड एट्थ कृष्ण यजुर्वेद से है, बाकी जो 4, 5, 6, 3 है वो अथर्ववेद से, और ऐतरेय जो है वो ऋग्वेद से। तो याद करने के लिए मुझे ये इजी था इसीलिए मैंने ये इस तरह से लिखा है। आपको ये अगर डायग्राम से याद करना हो तो उस तरह से आप कर लीजिएगा, दोनों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है। और अगर 10 उपनिषदों के नाम, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, 10th, 8th ऐसे आता है तो एक लिस्ट में भी होना चाहिए। तो मैंने इसको ऐसे लर्न किया था, ईश के नकट प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैत्तिरीय छांदोग्य बृहदारण्यक, ये मैंने एक उसको रिदम दिया था उससे मैंने उसको याद रखा। आपको देखो जिस तरह से हो सके लेकिन इसको याद करना जरूरी है। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया कि कितने 10 उपनिषद है और वो कौन कौन से वेद से लिए गए हैं। अब हम आगे जाके देखते हैं ईशावास्य उपनिषद जो हमारा पहला उपनिषद है उससे हम शुरू करते हैं। समझ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तेज धीमा ऐसे कुछ नहीं है ना मैम, ये एक बार और बता देंगे? जी, ये लिस्ट में ओके। ये 10 उपनिषद हमें है अभी, ये मेन उपनिषद या प्रमुख उपनिषद जिसको कहते हैं मुख्य उपनिषद। पहला है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है केनोपनिषद, तीसरा कठोपनिषद, चौथा है प्रश्नोपनिषद, फिर फिफ्थ इज मुंडकोपनिषद, सिक्स्थ वन इज मांडुक्योपनिषद, सेवंथ ऐतरेयोपनिषद, एट्थ वन इज तैत्तिरीयोपनिषद, नाइन्थ इज छांदोग्य उपनिषद और 10th इज बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये हमें यहाँ जानना है कि हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से आया है, ये हमने ऊपर देखा है। तो याद करने के लिए, इजी करने के लिए मैंने इसे ऐसे लिखा है कि पहला और 10th, ये जो 2 उपनिषद है वो साइड में दिया है कि वो शुक्ल यजुर्वेद से आए हैं। फिर है ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कृष्ण यजुर्वेद करके। फिर है केनोपनिषद और 9th वन इज, एक सेकंड ना मैं क्या बोल रही हूँ आपको पता चले। फिर केनोपनिषद एंड छांदोग्य उपनिषद वो जो है वो दोनों है सामवेद से लिए हैं, ठीक है। फिर है कठोपनिषद एंड तैत्तिरीयोपनिषद, थर्ड एंड एट्थ वो जो है वो लिए है कृष्ण यजुर्वेद से, और ये जो 3 है 4, 5 और 6 प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद एंड मांडुक्योपनिषद ये लिए है अथर्ववेद से।
और जो सातवां है वो लिया है ऐतरेय उपनिषद से। ठीक है, जाए आगे। ओके मैम। ओके ओके गुड। अभी देखते हैं पहला वाला, ईशावास्य उपनिषद। हर एक उपनिषद में पहले हमने देखा है कि जानना है हमें कि हर एक उपनिषद में पहले शांति पाठ दिया हुआ है, तो इस उपनिषद में जो शांति पाठ दिया है वो वाला ये है। वो मूलतः है तो बृहदारण्यक उपनिषद में, लेकिन यहाँ पे वो इसका शांति पाठ करके दिया है। ओम पूर्ण मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ अगर इसका मतलब यस हाँ हाँ पौन मनुष्य पौन से पौन मादा है। किसी को बोलना है कुछ? नीरज जी कुछ कहना है? अच्छा चलो तो आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या है वो हमें जानना है, कि वो जो सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म है वो हर प्रकार से पूर्ण है, और ये दृश्य जगत भी पूर्ण ही है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। मतलब जो कुछ है इस जगत में वो पूर्ण है, उसे कुछ भी निकालो फिर भी वो पूर्ण ही रहता है, ऐसा इसका मतलब है। आगे चलते हैं ईशावास्य उपनिषद। ये शुक्ल यजुर्वेद कार्ण्व शाखा संहिता का 40वां अध्याय है। ये जो पॉइंट है वो याद रखिए, ये एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन से यजुर्वेद से है, कौन सा अध्याय है। कुल मंत्र इसमें कितने हैं? तो 18 मंत्र इसमें हैं। वैसे देखा जाए तो गीता के 18 अध्यायों की तरह ही ये मंत्र महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत प्राचीन और पद्यात्मक उपनिषद है। पद्यात्मक इस हम देखते हैं जब पढ़ते हैं कोई भी लैंग्वेज, उसमें लेसन्स होते हैं, पोएट्री होती है, पोएम होती है। जो लेसन्स होते हैं उसको बोलते हैं, विस्तृत होते हैं, जानकारी देते हैं, उसको गद्यात्मक बोलते हैं। और वो जो ये जो पद्यात्मक है पोएट्री के हिसाब से आता है उसको पद्यात्मक बोलते हैं। तो इस उपनिषद में क्या दिया है कि त्याग पूर्ण भोग, कर्म की महत्ता, विद्या अविद्या का संबंध एवं परमात्मा का स्वरूप इसमें वर्णन किया गया है। किसी किसी उपनिषद जो है वहां पे किसी किसी के संवाद है, कोई कहानियां है, लेकिन इस उपनिषद में कोई भी कथा कहानी नहीं है, बस आत्मवर्णन ही किया गया है। और सभी उपनिषदों में इसे पहला स्थान दिया गया है, ये भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो 40वां अध्याय है इसके पहले जो 39th अध्याय है उसमें कर्मकांड के विषय में बताया गया है। हमने जो देखा है यज्ञ तप जो कुछ कर्म होते हैं उसके विषय में ये पहले के अध्यायों में बताया है। और ये जो लास्ट वाला अध्याय है 14th अध्याय, उसमें ईश के बारे में, वो परब्रह्म के बारे में बताया गया है। और इस उपनिषद का पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य स्विद्धनम्। अर्थात इस सृष्टि में सब कुछ ईश्वरमय है, जो भी कुछ है वो हर जगह ईश्वर ही है, उसके द्वारा ही सब कुछ छोड़ा गया है, बस उसका ही उपयोग हमें करना चाहिए। किसी भी चीज की लालच मत करना, लालच नहीं करना है, आसक्ति नहीं रखनी है, बस त्याग भाव से रहना है, और किसी के धन की भी इच्छा नहीं करनी है, ये ऐसे कहना चाहते हैं। और ये इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है जो ईशावास्यमिदं ऐसे शुरू होता है, इसीलिए इसे ईशावास्य उपनिषद ऐसे जाना जाता है। अब हमारे सिलेबस की देखा जाए तो क्या हो सकता है उसमें, तो उसमें है कर्मनिष्ठा की अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट, जो कंसेप्ट होती है कर्म की कंसेप्ट या कर्मनिष्ठा की कंसेप्ट, उस हिसाब से वो कर्मनिष्ठा की अवधारणा, विद्या और अविद्या की अवधारणा, ब्रह्म का ज्ञान, परब्रह्म का स्वरूप,
आत्मभाव, आत्मज्ञान, शरीर की नश्वरता, अग्निदेव से प्रार्थना की गई है इसमें, और श्रेष्ठ मार्ग द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाती है वो देखा है। जो अभी हमने देखा, और वो श्लोक में या मंत्रों में कैसे, कौन कौन से मंत्रों में दिया गया है वो यहाँ पे लिखा है। ये शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा का 40वां अध्याय, कुल मंत्र 18, ये हमें याद रखने हैं। ये सबसे पहला उपनिषद है, ये हमें याद रखना है। फिर मंत्र संख्या जो है 18 में से, जो 1 से 3 मंत्र है वो कर्मनिष्ठा के बारे में, 4, 5, 8 परब्रह्म का स्वरूप उसमें बताया है, 6 और 7 है उसमें आत्मज्ञान के बारे में, आत्मानुभूति जन इसमें उपासना और उसके फलों का वर्णन दिया गया है। फिर 9 to 14 उसमें विद्या अविद्या, सृजन विनाश और कर्म विज्ञान के बारे में बोला है। 15 and 16 श्लोक जो है उसमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया है, और 17, 18 जो लास्ट के है उसमें शरीर की नश्वरता, अग्निदेव से प्रार्थना और श्रेष्ठ मार्ग द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए वो बताया है। अभी देखते हैं कर्मनिष्ठा की अवधारणा। वेदज्ञ, वेदज्ञ का मतलब हमें जानना है कि ये वेद का ज्ञान जिन्हें है, ऐसे ऋषियों ने समस्त मानव जाति को यह उपदेश किया है कि इस जगत में जो कुछ भी इंद्रियों द्वारा भासमान है वो सब ईश्वर से व्याप्त है। अर्थात जो कुछ भी इस सृष्टि में है वो हर जगह ईश्वर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ ईश्वर नहीं है, ऐसी एक भी जगह नहीं है, हर जगह इंद्रियों द्वारा भासमान मतलब हमारे सेंसेस द्वारा हमें जो कुछ भी पता चलता है, जो कुछ भी इधर उधर है वो हर जगह वहाँ ईश्वर है, ईश्वर से वो व्याप्त है, वहाँ ईश्वर का आवास है। और त्याग भाव से कर्म करते हुए हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, धन की अपेक्षा की इच्छा नहीं करनी है। अर्थात हमने देखा है श्रीमद् भगवद् गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार मेरे एक अंश में विद्यमान है, तो वैसे ही हर जगह वो परमेश्वर है, और वो त्याग भाव से हमें कर्म करते हुए कर्तव्य का पालन करना है, और वो ध्यान में रखना है कि हर जगह ईश्वर है, किसी चीज की अपेक्षा नहीं करनी है। तो ये जो कुछ धन है, तो ऋषि पूछते हैं ये धन किसका है, तो ये धन जैसे ये सृष्टि सारी ईश की है तो यह धन भी ईश का है, अतः धन का त्याग पूर्वक उपभोग करते हुए सब कुछ ईश को सौंपना है। मतलब हमेशा दिमाग में यही रहना है कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की कृपा से हो रहा है और सब कुछ उसी की इच्छा से है, तो जो कुछ भी है वो ईश को सौंप देना है हमें। तो ये कर्म विधि बताई गई है। आगे एक ईश्वर का अनुशासित जगत है, तो उसमें कर्म कैसे करना है उसके बारे में बोला है। इस लोक में कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए और ईश्वर के अनुशासित जगत का पालन करना चाहिए। अनुशासित जगत जो होता है वहां पे सब डिसिप्लिन में होता है, दैट इज अनुशासन, ये अभी आपको पता है। तो इस प्रकार कर्म करने से कोई कर्म बंधन में नहीं रहता, कोई कर्म बंधन कारक नहीं होता, और यही कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग है। जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं वो सब हम अगर ईश को सौंप देते हैं तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो अनुशासित जगत है उसमें निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की जो कल्पना कही है, कामना की है, उसमें क्या है, उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, ऐसे 4 आश्रम जो बताए हैं उसमें, ये 100 वर्ष इसमें 25, 25, 25, 25 ऐसे 25, 25 करके बांट दिए हैं। या देखते हैं ये ईश्वर का अनुशासित जगत, उसपे निष्काम कर्म करना है, 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी है, और ये जो 100 वर्ष हम जीते हैं
तो ये निष्काम कर्म कैसे करने हैं? यज्ञ ध्यान रूपी कम तप रूपी कर्म करने हैं, और इससे हमें विकार मुक्त जीवन प्राप्त होता है। तो निष्काम कर्म निरपेक्ष भावना से या फल की अपेक्षा न करते हुए किया जो कर्म है उसे निष्काम कर्म कहते हैं। 100 वर्ष तक जीने की कामना हमने देखा, 100 साल तक निस्वार्थ भाव से कर्म करे जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। और ये कर्म कैसे करने हैं? तो यज्ञ दान तप रूपी कर्म जिसमें त्याग होता है, और त्याग ही हमें मोक्षत्व दिलाता है। वही बोला है आगे कि त्याग रूप होने से क्या होता है, विकार मुक्त जीवन हम पा लेते हैं। जैसे मोक्ष के मार्ग पर चलने लगते हैं हम, जब हर कर्म ईश्वर को कर्म अर्पित करते हैं, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, हर एक बंधन से छूट जाते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं करें तो क्या, त्याग भाव न रख कर भोग भाव रखते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए वो करना है, हर चीज में आसक्ति रहते हैं, तो क्या होता है? तो ऐसे जो लोग हैं वो लोग तम से अंधकार से भरे हुए जिंदगी जीते हैं, उन लोगों को आसुर्य कहा जाता है, जो आत्मा को ही देह आदि समझते हैं। मतलब माय बॉडी इज ईश्वर ओनली, या आत्मा जो है वो देह ही आत्मा है ऐसे समझते हैं, उनको पता ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको आत्मा का हनन करने वाले लोग कहते हैं, आत्मघाती लोग कहते हैं, और मृत्यु के पश्चात वो लोग अंधकार में जाते हैं। तो आत्मा का हनन का अर्थ अपनी आत्मा की ध्वनि को न सुनना, उसके विपरीत कार्य करना। आत्मा के आवाज को न सुन के कोई दुराचरण करता है, पाप कर्म करता है, तो उसको आत्मा का हनन करना करने वाले कहते हैं। तो अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अच्छा ये स्लाइड यहाँ से जो ऊपर आनी चाहिए थी वो नीचे आ गई है, संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। ओके, आसुरिय कौन है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आत्मा की आवाज के विरुद्ध जो कोई पाप कर्म करता है वो आत्मा का हनन करने वाला कहलाता है, वो अंधकार से युक्त नीच लोक में जाता है, वो अनुशासित जगत जो हमने देखा 25-25 जो साल बटे हैं उनका उल्लंघन करने वाला होता है, और वो शरीर और इंद्रियों में लिप्त रहता है, अज्ञान, दुख, क्लेश, अंधकार से हमेशा घिरा हुआ रहता है, उसमें ही खुद को लिपटा हुआ रखता है, वैसा जो होता है वो आसुर्य कहलाता है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आत्मा का हनन करने वाला कौन होता है, वो आसुर्य कहलाता है, अनुशासित जगत का उल्लंघन करने वाला वो आसुर्य कहलाता है, और शरीर व इंद्रियों में लिप्त रहकर अंधकार अज्ञान से घिरा हुआ जो रहता है वो भी आसुर्य कहलाता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। आगे जाके परब्रह्म का स्वरूप उन्होंने बताया है कि ज्ञानी लोग जिस आत्म तत्व को जानते हैं वो आत्म तत्व परब्रह्म ईश्वर कैसा है, तो वो ईश्वर सर्वव्यापक है, सबसे पहला है और हर एक को जानने वाला है। आगे जाके उसका स्वरूप और भी बताया है विस्तृत करके कि वो अचल है, एक है, मन से भी अति गतिशील और वेगवान है, वो ज्ञान स्वरूप सबको जानने वाला है, उसको हर एक की खबर है। इस आत्म तत्व को देवगण भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस ब्रह्म से ही मातृश्वा अर्थात वायु और आप अर्थात जल से वर्षा का संपादन होता है। जो बारिश आती है तो वह ऐसे ही नहीं आती है, जब वायु और जल उन दोनों को मिला के वो आती है तो वो अपने आप नहीं, वो इस ब्रह्म के द्वारा आती है। वो दूर से दूर है, निकट से निकट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जिसके पास श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, उसे ईश का दर्शन नहीं होता, वो ढूंढता रहता है, तो इसीलिए वो दूर से दूर है। और जो श्रद्धा पूर्वक आत्मभाव से उसे पुकारता है वो एक क्षण में उनके पास मिल जाता है, इतना वो निकट से निकट निकट है।
वैसे ही वो जगत के अंदर भी है, जगत के बाहर भी है, इसीलिए वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है। तो ऐसे स्वरूप का ये हमने जो जाना, ये परब्रह्म का स्वरूप, तो ऐसे स्वरूप का वह परमात्मा कैसा है, तो ये उसके लक्षण बताए गए हैं कि ये परमात्मा लोभ मोह शोक आदि से रहित है, समाधानी दृढ़ ऐक्य भाव जानने वाला है, और ये ऐसा महात्मा परमेश्वर रूप है। देखा जाए तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, निकट से निकट, दूर से दूर, यहां वहां हर तरफ वो पूर्णमद पूर्णमिदम ऐसा है। अब वो कैसा है, उसके और कुछ लेबल उसको दिए हैं, वो देखते हैं परमात्मा कैसा है, उसके गुण, वो पर्यगात, ये एक श्लोक है, उसमें ये शब्द दिया है। शब्द सारे वो श्लोक के हैं, यो जो 11-12 शब्द है यहाँ पे, वो श्लोक में दिए हैं, हम उसका अर्थ जानेंगे यहाँ पे। पर्यगात मतलब सर्वव्यापक, सभी जगह व्याप्त। शुक्र मतलब शुद्ध ज्योतिष्मान अर्थात दीप्ति वाला, परम तेजोमय। अकाय, काया मतलब शरीर, अकाय मतलब अशरीरी, शरीर से रहित। अव्रण, व्रण मतलब कोई भी चीज खरोच आती है तो उसका जो दाग हो रह जाता है वो बोलते हैं उसको व्रण कहते हैं, तो अव्रण मतलब व्रण से रहित, कोई व्रण भी इसके ऊपर नहीं होता। अस्नावीर, स्नायु अथवा शिराओं से रहित, स्नायु मतलब मसल्स, अपने जो मसल्स है वो भी नहीं होते, ऐसा शुद्ध निर्मल अविद्यारूप मल से रहित, प्योर। अपाप विद्धम मतलब धर्म अधर्म रूप और पाप से रहित। कवि मतलब सर्वद्रष्टा, सर्वदृक मतलब हर जगह देखने वाला, दृक दृष्टि मतलब देखना, जो हर कुछ देख सकता है, जान सकता है। तीनों कालों को जानने वाला मतलब अतीत काल, पास्ट में, वर्तमान प्रेजेंट में, भविष्य फ्यूचर, सब कुछ जो जानता है वैसा जो है वो कवि। मनीषी अर्थात मन का ईशन करने वाला, सर्वज्ञ ईश्वर ज्ञान स्वरूप। परिभू, सबसे परी अर्थात सबसे ऊपर, फिर वो क्या होता है, सर्वत्र व्याप्त, ऊपर नीचे हर जगह वही है। फिर स्वयंभू, जो स्वेच्छा से प्रकट होने वाला है, ये सब उसके गुण बताए हैं। फिर जानेंगे हम आत्मज्ञान क्या होता है। आत्मज्ञान जो ज्ञान और अनुभूति हम देखते हैं, वो मनुष्य जब संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, वह द्वेष और घृणा से रहित है, यही आत्मभाव है। मतलब कोई और, किसी और को परमात्मा में देखो या किसी और में परमात्मा को देखो, ये जानना है कि हर जगह वो ईश है, उससे हमें द्वेष नहीं करना है, कुछ घृणा नहीं, जेलसी नहीं, कुछ भी नहीं, ये जब हम कर सकते हैं, यही आत्मभाव है। मनुष्य को जब परमात्मा के साक्षात्कार की अनुभूति होती है, सभी में एकत्व भावना से वह मनुष्य शोक मोह से रहित उच्चावस्था की प्राप्ति कर लेता है। तो ये लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लग सकती है, लेकिन बुक में वैसे इसीलिए लिखी है यहाँ पे, लेकिन इसका जानने का मतलब इतना ही है कि हर किसी में एकत्व देखना है, कि मैं और तू एक है, जो प्राणियों में परमात्मा है, मुझ में परमात्मा है, परमात्मा में हम है, यही जानना है। और अपने जो मोह शोक, जो कुछ आनंद दुख, उससे विरहित, उससे आगे जाके जो आनंद है उसकी प्राप्ति हमें कर लेनी है। और खुद में जब हम ईश तत्व को जानते हैं, उसके बाद मोह शोक आदि विकार नष्ट हो जाते हैं, फिर अपने आप एकत्व की भावना आ जाती है, और ये जब होता है वही आत्मज्ञान है। जो सब भूतों को अपने में देखता है और सभी भूतों में अपनों को देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता, पाप नहीं करता, सबकी रक्षा करता है, ये जानना आत्मज्ञान है। सब भूतों में मतलब जो कुछ है प्राणी मात्र यहाँ पे, उसमें हमें ही
खुद को देखना है और खुद में उनको देखना है। ये जो करते हैं पाप नहीं करते, वही सब एक ही में बताया है कि यही है जो जानते हैं, वही आत्मज्ञान है, वही आत्मभाव है। और ये जो आत्मभाव है, जो सब प्राणियों में परमात्मा, परमात्मा में सब प्राणी देखते हैं, वही उपासना है। और वैसा करने से उसका फल जो मिलता है वो क्या होता है कि हम मोह शोक आदि विकारों से दूर हो जाते हैं। फिर आगे कहा गया है विद्या और अविद्या की अवधारणा। तो अविद्या मतलब अज्ञान, और अज्ञान से क्या होता है, मनुष्य भौतिक ज्ञान में डूबा रहता है। तो खाली अविद्या की उपासना करने से क्या होगा, तो अविद्या की उपासना होती है इसमें कर्म निष्ठा से ऐहिक और पारलौकिक सुख मनुष्य तो पा लेता है, लेकिन ऐसे कर्म अनुष्ठान से वो अज्ञान से दुखी हो जाता है और घोर अंधकार की उसे प्राप्ति होती है। इसीलिए बस अविद्या की उपासना की तो उससे घोर अंधकार की प्राप्ति होती है, ये हमें जानना है। अगर विद्या की उपासना की जाए तो विद्या से आध्यात्मिक ज्ञान तो मिलता है, मनुष्य अपने ही ज्ञान में रहता है, वो ज्ञान अनुष्ठान कहलाता है। लेकिन मैं ज्ञानी हूँ, मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, ये सोच के विहित कर्म का त्याग अगर वो कर देता है तो कर्म का त्याग उसे नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म समझकर उसे ये कर्म करते रहना है, और अगर वो ऐसे नहीं करता है तो वो भी घोर अंधकार की प्राप्ति पा लेता है। तो ये हमें यहाँ जानना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ओके जी ओके। तो अविद्या और विद्या, खाली अविद्या की उपासना आपको घोर अंधकार में ले जा सकती है, खाली विद्या की उपासना वो उससे भी घोर अंधकार की प्राप्ति हमें कराती है। तो हमें क्या करना है, पहले तो जानो, संपूर्ण कामनाओं को त्यागने से ज्ञान निष्ठा होगी, लेकिन जो अज्ञानी है, जीवित रहने की इच्छा कामना रखते हैं, उनके लिए कर्म निष्ठा कही है। तो करना दोनों ही है, केवल अविद्या की उपासना, केवल विद्या की उपासना, दोनों से घोर अंधकार की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अगर हो सके तो आप जब भी नोट्स मिलेगी अंडरलाइन करके रखना। फिर है उनकी एक साथ उपासना करो। तो क्या अविद्या और विद्या, अविद्या और विद्या की एक साथ उपासना करने से अविद्या से मृत्यु को पार करके और विद्या से अमरत्व की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो दोनों को जानना चाहिए तभी हमें मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि कर्म अविद्या से होने के बाद अगर वो निष्काम कर्म हो, त्याग बुद्धि से किया जाए, तो वो मनुष्य को मृत्यु लोक से ही पार करवाता है। और विद्या से भगवंत का स्वरूप जानकर कर्म करने से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। याद रखने के लिए विद्या और अविद्या एक साथ उपासना करेंगे तो अविद्या से मृत्यु के पार और विद्या से अमरत्व प्राप्ति, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखते हैं, जैसे विद्या और अविद्या की हमने उपासना जानी, वैसे ही असंभूति और संभूति को हमें जानना है। असंभूति मतलब जो अल्पकाल रहने वाला जो कुछ है या विनाश वाला है, जिसका बिखराव होता है, वो असंभूति। जैसे हमने देखी अव्यक्त प्रकृति, वो विनाश का विनाश होता है उसका। और संभूति जो है वो सृजन है, किसी भी कोई नई चीज जो होती है वो। तो व्यक्त और अव्यक्त ऐसे ये उपासना हमें जाननी है। तो असंभूति की उपासना क्या है, जो लोग साकार स्वरूप की देवों की उपासना करते हैं और बस खाली वही करते रहते हैं, वो अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में रहते हैं। और जो लोग अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा के अनादि अनंत रूप की उपासना करते हैं, उसमें ही रत होते हैं, मग्न रहते हैं, वो भी
अधिकतर अंधकार में ही रहते हैं, मतलब बस उतना ही कर रहे हैं, बाकी कुछ चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं है, वही फोकस कर रहे हैं, तो वो अंधकार में जाएंगे। तो क्या करना है, इन दोनों को की भी एक साथ उपासना करनी है, उस परमेश्वर परमात्मा की सर्वात्म भाव से उपासना करना, यही सम्भूति का सच्चा अर्थ है। और परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए देव, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि सबकी पूज्य भाव से सेवा करना, ये असंभूति का सच्चा अर्थ है। तो जब परमेश्वर के दोनों व्यक्त और अव्यक्त रूप का सम्यक ज्ञान हो जाता है, तब शाश्वत मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। तो ये किसका फल है, असंभूति और संभूति की एक साथ उपासना करने से सम्यक ज्ञान हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो असंभूति से मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है और संभूति से अमृत तत्व की प्राप्ति हमें होती है। फिर देखते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के बारे में इसमें बताया है कि परमेश्वर परमात्मा का जब दर्शन होता है, उसे समझना, यही ब्रह्म ज्ञान है। और ये सत्य हम कभी समझ ही नहीं पाते कि इसके ऊपर माया का आवरण है। तो ये जो आवरण के नीचे हम है, इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि परमात्मा है कहाँ। तो ये आवरण अगर दूर हो जाए, ये कवरिंग अगर हट जाए, तो हमें पता चल जाएगा ये परमेश्वर परमात्मा क्या है। तो ये करने के लिए सूर्यदेव की प्रार्थना की गई है, पूषण की भी प्रार्थना की गई है। तो पूषण को यहाँ पे बोला है विष्णु, जो जगत का पोषण करने वाला है। तो यहाँ पे जैसे सूर्यदेव की प्रार्थना की है, पूषण की प्रार्थना की है, तो अलग अलग नामों से ईश्वर को संबोधित किया गया है और उसकी प्रार्थना की गई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ईश्वर को किन किन चीजों से, किन किन नामों से पुकारा गया है। पहले तो पूषण, जो जगत का पोषण करने वाला है। ऋषि, जो ऋषि हम देखते हैं उससे अलग ऋषि करके ही इनको पुकारा गया है। यम, अर्थ से होता है आत्मा या खुद पर संयम रखने वाला, वो यम। सूर्य मतलब ये तेजस्वी रूप, और प्राजापत्य प्रजा का पालन करने वाला, इन सब नामों से ईश्वर को संबोधित किया गया है। फिर सूर्य की प्रार्थना करते हुए उनको क्या किया है, तो देखते हैं कि सूर्य की प्रकाश किरणों से हमें बाह्य जगत की विभिन्न चीजें आकर्षित करती है। मतलब जहां जहां सूर्य प्रकाश आता है, हम देखते हैं जो कुछ उसमें दिखता है वही हमें दिखता है, जहां पे प्रकाश होता है वो, और हम बहिर्मुख हो जाते हैं, उसी में लगे रहते हैं, वही देखने में हम मग्न हो जाते हैं। लेकिन वो सूर्य रूपी तेज अगर परमेश्वर ने हटा दिया, वो कवरिंग उसने दूर कर दी, तो हम हमारे अंदर झांक कर हमारे अंदर के आत्मा को जानेंगे। और जब हम ये जानेंगे तो वो आत्मा ही परमेश्वर है ये जानेंगे, अर्थात ये ईश्वर तू ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो, ये हम जानेंगे। और ये जानना ब्रह्म ज्ञान है। सिंपल वर्ड्स में, मेरे अंदर जो है वो ईश्वर वही है, वो ईश्वर ही मैं हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ये जब हम जान लेंगे वो ब्रह्म ज्ञान है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, तो जो कवरिंग है, जो सूर्य के प्रकाश किरणों से हम बाहर की ओर देखते हैं, वो कवरिंग हटाकर हमें हमारे अंदर झांकना है और ईश्वर को जानना है, वही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। फिर शरीर की नश्वरता की पहचान अगर करते हैं, तो श्रेष्ठ मार्ग द्वारा हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, आत्मदर्शन के बाद, अपना ये जो पंच महाभूतादि देह है, जो अपनी ये बॉडी है, शरीर है, वो भी बंधन कारक लगने लगता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, मेरे कर्मों को समझ के उस आधार पर मुझे अमृतमय बना दे। कर्मों को समझ के क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे कर्म, बुरे कर्म, निष्काम कर्म, मिश्र कर्म सब होते हैं। तो वो समझकर उसके हिसाब से ही परमेश्वर जो देना है वो देगा। इसीलिए कर्मों को समझ के उस आधार पर मुझे अमृतमय बना दे, मुक्त करा दे,
तू और मैं एक ही है, ये जानने के बाद शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती, ये हम अपने आप फिर जानने लगते हैं। इस शरीर की आसक्ति, उसके प्रति मोह, यही अज्ञान है। ये नष्ट होकर ये देह भस्म हो जाए, पवित्र हो जाए, ऐसी विनम्रता से, आर्त भाव से प्रार्थना की है। क्योंकि जब हम ईश्वर को, मैं ही ईश्वर हूँ, ये हम जब जान लेते हैं, तब हमें ये जो शरीर है उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती, फिर हम उसमें एक हो जाने को चाहते हैं। इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं कि अब जो कुछ मेरे कर्म है उसको समझो, मुझे मुक्त करा दो, मैंने तुझे जान लिया है, तू और मैं एक ही हूँ, अब मुझे शरीर की आवश्यकता नहीं है और उसके प्रति मोह भी नहीं है। अगर ये होता है तो वो अज्ञान है, तो ये अज्ञान नष्ट होकर ये देह भस्म हो जाए, पवित्र हो जाए, ऐसी प्रार्थना की है। ऐसी ही प्रार्थना लास्ट श्लोक में अग्नि से की गई है कि हे अग्नि देवता, हमें परमेश्वर की सेवा में रहना है और वही हमारा ध्येय है, तू हमें सन्मार्ग से आगे लेकर जाए, ऐसी प्रार्थना करके हम अनेक नमस्कार करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसको अनेक नमस्कार किए गए हैं, सिंपल क्वेश्चन है फिर भी बन सकता है। तो अग्निदेव से अनेक नमस्कार करके प्रार्थना की गई है और उसे कहा गया है कि मुझे कुटिल पाप कर्मों से बचा के ऐश्वर्य की ओर और सुपत की ओर ले चले। यहाँ पे अपना ईशावास्य उपनिषद समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। अभी मैं शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ। अच्छा, सब चुपचाप, बहुत हाई हो गया क्या, ऊपर से चला गया, कुछ कुछ समझ में नहीं आया? मैम एक बार सब कुछ, रिपीट कर दीजिए। सॉरी सुनाई नहीं दी। सुबोध जी फिर से कहिए। मैम एक बार पूरा उसका ओवरव्यू दे दीजिए। ओके ओके, ये जो शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा का 40वां अध्याय है, इसमें कुल 18 मंत्र है। ये सबसे पहला उपनिषद है जिसमें कर्म के बारे में बताया है, वैसे भी ज्ञान के बारे में भी बताया है। तो कर्म निष्ठा की अवधारणा कहते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी इस जगत में है वो सब ईश्वर से व्याप्त है, हर जगह ईश्वर का आवास है। तो त्याग भाव से कर्म करते हुए हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, धन की अपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि ये जो धन है सृष्टि में, ये सब वो ईश का है, ईश्वर का है, परमेश्वर का है। इसलिए हमें बस निष्काम कर्म करते जाना है, तभी हम उसको जान सकते हैं। तो ये निष्काम कर्म कैसे करने हैं, तो जो हमारा जो कुछ लाइफ है ना, उसको हम, उन्होंने 100 वर्ष तक, जो 100 वर्ष हम जीने की कामना करेंगे उसको डिवाइड किया है 25-25 करके, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में, हर एक में 25 साल कर्म करने हैं। लेकिन जहां भी करो सब त्याग भाव से करो। वो कर्म कैसे होने चाहिए? यज्ञ रूपी, दान रूपी और तप रूपी। अगर हम त्याग भाव से कर्म करते हैं तो हम विकार मुक्त जीवन पा सकते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है तो क्या होता है? अगर हम त्याग भावना से कर्म नहीं करेंगे तो वो लोग जो है वो आसुरिय कहलाते हैं। तो ये आसुरिय मतलब क्या? तीन लोगों को उन्होंने बताया है कि, तीन बोला है कि आसुरिय कौन है। एक तो आत्मा का हनन करने वाला, मतलब जो अपनी आत्मा के अंदर की आवाज नहीं सुनता है, जो आत्मा के विरुद्ध कोई पाप, आवाज के विरुद्ध कोई पाप कर्म करता है, तो उसे आत्मा का हनन करने वाला कहते हैं।
जो दूसरा है वो अनुशासित जगत का उल्लंघन करने वाला। हमने जो देखा अभी वो चार आश्रम, उसने कैसे कर्म करने हैं, उसका भी उल्लंघन करता है, वो भी आसुर्य है। और ऐसा व्यक्ति शरीर और इंद्रियों में लिप्त रहता है, अज्ञान अंधकार से घिरा हुआ रहता है, वो भी आसुर्य कहलाता है। आगे जाके उन्होंने परब्रह्म का स्वरूप, कि वो अचल है, एक है, उसके जो कुछ भी गुण है वो बताए हैं। और वो परमात्मा के लक्षण बोले हैं कि वो लोभ मोह शोक आदि से रहित है और ऐक्य भाव जानने वाला है। फिर आत्मज्ञान के बारे में बोला है कि जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा में, संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, वह द्वेष और घृणा से रहित होता है, वही आत्मज्ञान है। मतलब हर एक प्राणी मात्र में खुद को देखना और उनमें परमात्मा को देखना, वही आत्मज्ञान है। फिर आगे दिया है विद्या और अविद्या की अवधारणा। तो विद्या और अविद्या क्या है वो जानेंगे। अविद्या मतलब अज्ञान, जो अज्ञान में डूबा रहता है, कर्म अनुष्ठान करते रहता है। मतलब जो लोग, जो ऐहिक, मतलब जो हम जैसे जो रोज के काम है वही करते रहते हैं, उसमें ही डूबे रहते हैं, वो बस उतना ही करते हैं, वो अज्ञान से दुखी हो जाते हैं। और दूसरा है विद्या। विद्या मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, जो अपने ही ज्ञान में ही रहते हैं, उनको लगता है सब कुछ मुझे ही पता है, मैं सब कुछ जान सकता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये जानने वाले लोग होते हैं। वो जो अपना रोज का कर्म जो करना होता है वो भी नहीं करते हैं, इसीलिए वो भी अंधकार में डूबे रहते हैं। इसीलिए खाली अविद्या की उपासना और खाली विद्या की उपासना, दोनों से आपको अंधकार की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी मैंने बोला था, अगर दोनों के साथ में उपासना करें, मतलब अविद्या को भी जानो और विद्या को भी जानो, मतलब कर्मानुष्ठान, मतलब रोज का कर्म है वो भी करो, और वो ज्ञान हमने जाना है वो समझो कि निष्काम कर्म हमें करना चाहिए, उससे आसक्ति न रहते हुए अगर हम एक दोनों की एक साथ उपासना करते हैं, तो अविद्या से मृत्यु के पार हो जाते हैं और विद्या से अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए अविद्या और विद्या दोनों को एक साथ देखना है, करना है उपासना। वैसे ही असंभूति और संभूति की उपासना, व्यक्त और अव्यक्त की उपासना एक साथ करते हैं, तो हमें सम्यक ज्ञान हो जाता है और हम शाश्वत मुक्त अवस्था की प्राप्ति कर लेते हैं। तो परब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, मतलब परमेश्वर परमात्मा का दर्शन होना ही ब्रह्म ज्ञान है। जो एक हमारे ऊपर जो एक कवरिंग होता है आंखों के सामने, जैसे होती है एक लेयर होता है कि हम आगे परब्रह्म को जान ही नहीं पाते, इसीलिए वो ईश्वर से, सूर्य देव से प्रार्थना की है कि ये जो कवरिंग है हमारे सामने का वो तुम हटा दो, ताकि हम आपको जान सके। इसीलिए उसको अलग अलग नामों से जाना है, पूषण, ऋषि, यम, सूर्य, प्राजापत्य, ऐसे अलग अलग नामों से जाना है कि ये कवरिंग है भगवान तू हटा दे, तो हम हमारे अंदर के आत्मा को जानेंगे। और वो आत्मा ही परमेश्वर है ये जानने के बाद, ईश्वर तू ही मैं हूँ ये जानने के बाद, वो ज्ञान होता है, वो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। और इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना की है कि मेरे कर्मों को समझकर उससे जो कुछ ठीक लगे उससे, उसके आधार पर मुझे अमृतमय बना दे। और हम ये जब जान लेते हैं कि वो ईश्वर मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही वो है, तो हमें शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये हो मेरी आसक्ति और ये मेरा मोह, ये अज्ञान है, तो उसे नष्ट करके मैं पवित्र हो जाऊं, ऐसे विनम्रता से उसे प्रार्थना की गई है। और लास्ट श्लोक में, मंत्र में ऐसी ही प्रार्थना अग्निदेव से की गई है कि हे अग्निदेवता, हमें परमेश्वर की सेवा में रहना है, तो मुझे कुटिल पाप कर्मों से बचा के ऐश्वर्य की ओर, सुपथ की ओर ले चले। मतलब जो कुछ भी मैं पाप कर्म कर सकता हूँ, हो सकता है मुझसे, मेरे बुरे अच्छे सब कर्म तू जानता है, तो
तो जो कोई पाप कर्म विघ्न ला रहा है बीच में, तो उसको नष्ट कर दे और मुझे अच्छे मार्ग पर शुभ मार्ग की ओर ले चले, और इसके लिए हम बार बार तुझे नमन करते हैं, ऐसे अग्नि से प्रार्थना की है। अगर ये अब मैं आज शेयर कर दूंगी, तब आप जो जानेंगे उसका विषय, तो उस वो जान के पढ़ के आपको याद हो जाएगा। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये कल से मैं ऐसा करूंगी, नोट्स पहले भेज दूंगी आपको, तो आपके सामने अगर नोट्स होंगे तो आपको डर भी उतना नहीं लगेगा। ठीक है, और कोई पॉइंट है ऐसा जो रह गया है जो बोलना चाहिए? एनीवन? सो गए क्या सब लोग? नहीं मैम, नहीं मैम, सब जाग रहे सब अच्छा, ना। दिमाग में आया है या कुछ फास्ट हुआ या बहुत ही स्लो, नींद आने जैसी बात हो रही है मेरी? नो मैम, ठीक है। हाँ, मुझे अपडेट्स देना, कुछ क्या फीडबैक देना, कुछ हो तो मैं कुछ चेंज कर पाऊँ, आपको समझ में आया ऐसा तो मुझे बोल दो। जी ठीक मैम, है, हाँ, यस। मैम ये जो अविद्या और विद्या की एक साथ उपासना करें, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि अविद्या और विद्या की एक साथ कैसे उपासना करें। अच्छा, एक मिनट में बताती हूँ। क्या है अविद्या? अविद्या मतलब अज्ञान, कि हम जो हमारे जो क्या मैं उपभोग लेते रहते हैं, भोग में रहते हैं हमेशा, तो खाली हम वही करते हैं, हम भगवान को जानने की, वो ज्ञान लेने की कोशिश ही नहीं करते, तो एक ही चीज में हम डूबे रहते हैं, वो अविद्या है। और बस उतना ही करो तो आपकी किसी भी चीज की आपको प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरा जो विद्या है, तो वो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें मिलता है वो विद्या है। अगर एक बार वो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो क्या होता है कि ऐसा लगता है मुझे सब कुछ पता है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तो जो करना होता है वो कर्म भी ऐसे लोग नहीं करते, तो इससे भी अंधकार की प्राप्ति होती है। मतलब कुछ जान के भी अनजान रहते हैं, कुछ अनजान है इसीलिए जान नहीं पाते हैं, समझ रहे हो आप? ऐसे इसीलिए दोनों को जानना है, मतलब हमारा जो पारलौकिक या ऐहिक जो कुछ रोज का कर्म है वो करते ही रहना है, और ज्ञान भी उसके साथ हमें अध्यात्म ज्ञान, उस परमेश्वर को भी जानना है। अगर उसको जानेंगे और कुछ कर्म करेंगे ही नहीं तो वो भी गलत, और बस हम अपने ही भोग भोगते रहे, ज्ञान ही ना ले वो भी गलत। इसीलिए उनको एक किया है कि ज्ञानी मनुष्य समझता है मुझे ब्रह्म प्राप्ति के लिए कर्म करना बाधक हो सकता है, इसीलिए वो तो विहित है, अनअवॉइडेबल कर्म का ही भूल से त्याग कर देता है। लेकिन इससे क्या होता है, वो कर्म बंधन से मुक्त तो नहीं हो पाता, उसका कुछ न करना भी एक कर्म हो जाता है, और वो त्याग नहीं कहलाता। हमें त्याग भाव से कर्म करना है। हमने जो देखा है अनुशासित जगत जगत, उसमें हमने क्या देखा है कि त्याग भाव से कर्म करो, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा है। इसीलिए जो विहित कर्म जो अनासक्त होकर किया जाए वो त्याग कहलाता है, और इससे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु से छुटकारा होता है। इसीलिए कर्म कर्म जो होता है वो अविद्या से होने के बाद, अगर वो निष्काम कर्म हो, ईश्वर को हम अर्पण कर दें, तो वो अच्छा होता है और उससे मृत्यु लोक से प्राप्ति हो जाती है। समझ रहे हो आप? किसने पूछा था मुझे, सॉरी मैं भूल गई। मैंने पूछा था मैम। जी मैम, समझ रहे हो? हाँ जी, जी आ मैम, रहा मुझे विद्या तो समझ में आ गई कि विद्या की उपासना क्यों करनी चाहिए, पर अविद्या की उपासना करें, मतलब कि अविद्या की उपासना हम। अविद्या की उपासना करना, मतलब वो ईश को हम भूल जाते, जो कि कोई लोग है विद्या की उपासना करने वहां तक जाते हैं तो उनको वो ज्ञान मिलता है। अविद्या की उपासना मतलब आपको वो विद्या के पास, वो चाहती नहीं है कि कुछ ज्ञान हमें मिले। जो रोज के हम भोग रहे हैं, कुछ उपभोग ले रहे हैं, हमारी ऐहिक जो जीवन है उसमें ही वो डूबे हैं। लेकिन उससे बाहर आकर अगर वो भी आप करो, तो जो कुछ भी वो करो अविद्या में अज्ञान में, वो लास्ट में जीवन परमेश्वर को अर्पण करना है, ये वो लोग भूल ही जाते हैं, इसीलिए उसे अविद्या की उपासना कहा गया है। गॉट इट क्लियर? या फिर ओके से मैम, एक बार
ठीक है मैम, मैडम संभूति और असंभूति और बता दीजिए एक बार। जी। संभूति, संभूति मतलब जो लोग साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, मतलब हम सगुण निर्गुण जैसे बोलते हैं ना, तो एक चीज सामने है और बस वही करते रहते हैं, फिर वो कुछ बाकी कर्म नहीं करते, नहीं मैं यही करूंगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ भगवान के आगे और मुझे खाना मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बस वो जो वही करता रहता है उपासना, तो उसको मटेरियल थिंग्स जो है उसमें ही वो अटका पड़ता है, और वो फिर वो जन्म मृत्यु वो चक्र है उसमें घिसा पिटा रह जाता है, वहां से वो बाहर ही नहीं निकलता है। तो ये जो है असंभूति और संभूति, इसको ही व्यक्त और अव्यक्त कहा गया है। असंभूति का मतलब है जो अल्पकाल रहता है, और संभूति मतलब जो सृजन होता है, जो व्यक्त प्रकृति होती है, जो लोग अविनाशी और निर्गुण निराकार वो परमात्मा को जो जान लेते हैं। लेकिन वहां भी ये विद्या और अविद्या जैसा ही थोड़ा है, किसी एक ही को जानना नहीं चलेगा, हमें उसके साथ साथ दूसरा भी अगर हम ले जाएं तो हमारा जीवन संपूर्ण हो सकता है। अगर संभूति की एक ही उपासना करते उसमें ही अटक जाए हम लोग, तो हम वहां से आके ब्रह्म को जान ही नहीं पाएंगे। और अगर संभूति मतलब उसकी ही उपासना करते रहेंगे, और हमारा जो विहित कर्म है, जो रोज का कर्म जो हमें बताया है या हमें जो करना चाहिए, वो निष्काम भाव से नहीं करेंगे, तो वो भी गलत होता है। इसीलिए ये असंभूति और संभूति ऐसे कहा गया है। क्लियर? हाँ जी ठीक है मैम। मतलब मैडम साकार और निराकार को दोनों वो एक साथ जानना ये बताया जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वही वही, ठीक है। हाँ यस। ठीक है, सोए नहीं बाकी लोग? क्वेश्चन आंसर जी करते हैं? मैम। ओके ओके और चलो। मैडम ये जो विद्या और अविद्या है इसको एक साथ जानने का मतलब यही है कि बस ज्ञान और भोग को एक साथ करना। जी, जो भी कर्म है, हम ऐसे बिना कर्म किए तो रहते नहीं, हम कोई साधु संत या तपस्वी तो है नहीं, हम अगर ये संसार में रहते हैं तो हमें कुछ कर्म तो करने पड़ते हैं, तो वो तो हमें करने हैं। तो वो करते करते वो जो कुछ है उसमें आसक्ति न रखते हुए सब कुछ जो किया वो भगवान को समर्पित कर देना और उसको जानना, ये दोनों एक साथ जब होता है तो वो एक साथ विद्या अविद्या की उपासना होती है। हाँ जी ठीक है मैम। इसका कोई फल भी बताया बाद में? क्या क्या बताया ना, दोनों का फल बताया। अच्छा फिर से बताते हैं, फिर से जानते हैं। हाँ जी अविद्या और विद्या की उपासना से मृत्यु के पार हो जाते हैं और अमरत्व की प्राप्ति, इन शॉर्ट दोनों का जो फल होता है, हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिल जाता है हमें। अगर हम ये नहीं करते तो हम उसी चक्र में अटक जाएंगे, उसी में फिरते रहेंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं। फिर अगला जन्म, जैसे उन्होंने बोला है आगे, परमेश्वर से प्रार्थना की है कि मेरे कर्मों को समझ के उसके आधार पर मुझे अमृतमय बना दो। तो अगर आप कर्म, हमने देखे हैं पहले कर्म, भगवत गीता में भी बताया है, शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, मिश्र कर्म है, तो अच्छे कर्म करो, निष्काम कर्म करो, तो ही हमें आगे जाके उस आधार पे हम मुक्ति की ओर जाएंगे। अगर वैसा नहीं करते हैं तो ये जन्म मृत्यु के यही सर्कल में हम फंस जाएंगे। तो इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो इन दोनों की साथ में उपासना करो, कर्म निष्काम करते रहो और भगवान को जानो। ये अगर एक साथ हम करते हैं तो हम मुक्ति के मार्ग पर मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है? हाँ जी आ गया मैडम समझ में। ओके ओके गुड। चलो, चार तो बज गए लेकिन क्वेश्चंस थोड़े हैं, फटाफट हो जाएंगे, आप सोए नहीं होंगे तो और फटाफट हो जाएंगे। चलो, उपनिषद में सत का तात्पर्य क्या है? सत का मतलब, बैठना और ईशावास्य उपनिषद में निम्न में से, अभी मैं ऑप्शन बोलूंगी, किसका वर्णन किया है? विद्या का, अविद्या का, उपरोक्त दोनों का या कोई भी नहीं? दोनों उपरोक्त का। दोनों का उपरोक्त दो, दोनों का बिल्कुल सही। ईशावास्य में मंत्रों की संख्या कितनी है? 18 18 18 18
अरे क्लियर करो, 16 किसने बोला? अच्छा 18 बोला अच्छा था, मैंने बोला था सारे तो करेक्ट मैम। कर लो, याद रखो फिर। और मुख्य उपनिषदों की संख्या, मुक्तिको उपनिषद, 10 मैम, 10। यस यस। और कर्म करते हुए कितने वर्ष तक जीना है? 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक। अच्छा। और फिर वो कौन से चार आश्रम के क्या क्या डिवाइड कैसे किया है उनको, कोई एक बताए? देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। हाँ कहिए नया जी। मैम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वान और फिर सन्यास। वेरी गुड। अब देखते हैं वेदों का आधार कौन सा है। मैं चार ऑप्शन बोलती हूँ, आप बोलना वेदों का आधार कौन सा है। उपासना, कर्म, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। शुरू में हमने देखा था, देखो वेद चार भाग से बनते हैं, उसमें हमने देखा था वो वेदों का आधार जो हमने। वेरी गुड, कर्म इज द राइट आंसर। और उपनिषद का आधार कौन सा है? वेरी जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं सब लोग, यस। चलो, ईशावास्य किस वेद के अंतर्गत आता है? शुक्ल यजुर्वेद। सही। और ये शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? बिल्कुल, 40वां, 40वां, पहले 40वां जो अध्याय है उसने क्या बताया है? कर्मकांड, कर्मकांड। बिल्कुल सही। और कर्म द्वारा किस लोक को पाया जाता है ईशावास्य उपनिषद के अनुसार? मैम क्वेश्चन रिपीट करिएगा। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कर्म द्वारा किस लोक को पाया जाता है? देखा था हमने, लक्ष्मी साहू जी का आंसर भी आ गया, मृत्यु मृत्यु लोक को पर लोक। मृत्यु लोक, बिल्कुल सही। और ईशावास्य में मुक्ति के लिए कौन सी दो निष्ठाओं की चर्चा की गई है? योग निष्ठा, ध्यान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, कौन ज्ञान से निष्ठा और दो कर्म हैं? निष्ठा। बिल्कुल सही। और आत्मा का हनन करने वाले को क्या कहते हैं? आसुरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो रुके, 4 बज गए, समझ में आ रहा है आप सबको? हाँ जी, यस जी मैम। मैम, कल हम नेक्स्ट वाला उपनिषद पढ़ेंगे जो दूसरा है, केन उपनिषद। ओके मैम, अभी ओके शांति पाठ कर लेते हैं जो हमारा आज का है, हमने देखा वो शांति पाठ जो पूर्ण मद उससे ही करवाएंगे। कौन पहले बोल रहा था, नीरज या कोई थे ना? नीरज जी आप पढ़ रहे थे वो मंत्र, आपको पढ़ना है, आप करवाएंगे शांति मंत्र नीरज जी? चलो मैं ही करवाती हूँ। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण करके ऊष्मा चेहरे पे महसूस कीजिए, हाथ आंखों पे कोमलता से।